पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जेल में अपनी पहली रात शुक्रवार को बिताई, बगैर कुछ खाए पिए और उदास। बेहद शान शौकत की जिंदगी जीने वाले और क्रिकेटर के रूप में यूरोप के 5 सितारा होटलों में रात गुजारने वाले इस शख्स ने 10 फीट लंबे और 15 फीट चौड़ी कमरे में रात बिताई, और वो भी दूसरे 4 लोगों के साथ। उस तंग कमरे में सिद्धू के साथ 4 और कैदी थे। इन कैदियों में 2 पूर्व पुलिसकर्मी हैं और 2 आम नागरिक जो अलग अलग अपराधों की सजा काट रहे हैं। 34 साल पहले रोड रेस के एक मामले में सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया और 1 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई। उन्होंने शुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसी समय उन्हें जेल भेज दिया गया। नवतेज सिंह चीमा, अश्विनी सेखरी, हरदयाल सिंह कंबोज और पीरमल सिंह और अपने समर्थकों के साथ सिद्धू अपने आवास से कोर्ट तक गए थे। इससे पहले सिद्धू ने सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, लेकिन उनके इस मांग पर सुनवाई नहीं हुई थी। इसके बाद सिद्धू को आत्मसमर्पण करना पड़ा। सिद्धू को जेल में कैदी नंबर 137683 मिला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल में पहली रात खाना नहीं खाया। उन्होंने शुक्रवार शाम मेडिकल टेस्ट के दौरान ही खाना खाया था, जिसके बाद से उन्होंने जेल में खाना खाने से इनकार कर दिया। सिद्धू को जेल में आम कैदियों की तरह ही रखा गया है। सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है, जिसे लेकर आज जेल में ही उनका टेस्ट हो सकता है।